मनपा में भाजपा का सत्ता के रूप में यह तीसरा कार्यकाल है। विशेष रूप से तीसरे कार्यकाल में प्रत्येक महापौर ने पदभार ग्रहण करते ही शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की घोषणा की है। यहां तक कि तत्कालीन महापौर संदीप जोशी ने इसे लेकर जोनल स्तर पर कई बैठकें भी ली, जिसके बाद अभियान शुरू होने की संभावना जताई गई। शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया है। अब महापौर दयाशंकर तिवारी ने शुक्रवार को बैठक लेकर मनपा और पुलिस को मिलकर अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। एक के बाद एक लगातार आतिशबाजी का मकड़जाल तो तैयार हो रहा है, लेकिन मकड़जाल की सफाई नहीं हो रही है। इससे नए आतिशबाजी पर भी प्रशासन के अमल को लेकर संदेह जताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि शहर का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा है जहां अतिक्रमण नहीं है। इस तरह के अतिक्रमण से मनपा के तमाम अधिकारी भलीभांति वाकिफ भी है। इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी करने की नौबत ही इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करती है। बहरहाल अब महापौर की ओर से पुनर एक बार अभियान चलाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि शहर भर के फुटपाथों पर वाहनों में परिवर्तन कर चाइनीज के ठेले लगाने का चित्र दिखाई देता है। इन वाहनों पर मनपा को कार्यवाही का अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस के साथ मिलकर कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा गैरेज मालिकों द्वारा खराब वाहनों की अवैध रूप से पार्किंग की जाती है। फुटपाथों पर सेकंड हैंड दुपहिया वाहनों की खरीदी बिक्री होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नागपुर शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से रास्ते पर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई करने का अधिकार नागपुर महानगर पालिका के पास नहीं है, इसलिए आज नागपुर शहर पुलिस विभाग, विशेषतः वाहतूक विभाग, साथ ही साथ में आरटीओ की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई, जिसमें महानगर पालिका के 10 जोन के हमारे सहायक आयुक्त तो उपस्थित थे, अतिक्रमण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से यह मुहिम पुलिस विभाग के सहयोग से चलाई जाएगी। गाड़ियों को उठाने के लिए पुलिस विभाग के पास में टोइंग वैन नहीं है, इसलिए महानगर पालिका एक निविदा निकाल करके ये टोइंग वैन की व्यवस्था करेगी और उसके पैसे महानगर पालिका वहन करेगी। इस प्रकार से शहर की दृष्टि से ये निर्णय हमने लिया है। महानगर पालिका के सभागृह से एक प्रस्ताव पूर्व में पारित हुआ था, जिसमें 10 टोइंग वैन महानगर पालिका खरीद के पुलिस विभाग को देगी और उसमें रेवेन्यू शेयरिंग के हिसाब से उसका ऑपरेशन होगा, वो नस्ती भी तुरंत कार्यान्वित की जाए, इस दृष्टि के निर्देश दिए गए। हमारे ट्रैफिक के इंजीनियर देशपांडे जी, पुलिस विभाग के वाहतूक विभाग के श्री राठौड़ जी, इनके साथ बैठ करके आज उस पर निर्णय लेंगे और एक दो दिन में उस कार्रवाई को भी एग्रीमेंट करके आगे बढ़ाने का निर्देश आज दिया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।